श्री सद्गुरु अडानेश्वर समर्थाय नमः। मैं हिमा नगरी अनाम प्रेम परिवार की तरफ से 2 अक्टूबर के गांधी जयंती के इस मूकबधिर बच्चों के लिए आयोजित किए गए ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूँ। हर कार्यक्रम की शुरुआत हम मंगलमय करने के लिए परमेश्वर को आवाहन करते हुए उनको हम प्रार्थना करते हैं, उनसे हम आशीर्वाद लेते हैं। इसी तरह आज का इस कार्यक्रम भी उनके आशीर्वाद से ही पूर्ण होगा। तो आइए आप सब हमारे साथ मिलके हमारे इस सद्गुरु के प्रार्थना पंचक में शामिल हों। अडानेश्वरा सर्वदेवाधिदेवा तुला वंदितो तूच माझा विसावा। तुझा चिंतनी चित्त माझे रमावे, जगी नित्य सांगाती माझा असावे। नको ज्ञान मुक्ती अहंकार खोटा, तुझा भक्त देवादिका हूनी मोठा। म्हणूनी मला भक्तीचे दान द्यावे, जगी नित्य सांगाती माझा सावे। त्रितापे बुडालो न थारा कुठेही, त्रिकालज्ञ तू जाणसी सर्व काही। कृपा सागरा धावनी उद्धरावे, जगी नित्य सांगाती माझा सावे। तुझी वीर भक्तीच देईल शक्ती, तुझा दास होणे जगी श्रेष्ठ मुक्ती। म्हणून कृपा पात्र मजसी करावे, जगी नित्य सांगाती माझा असावे। अलंकार सद्बुद्धीचा देऊनिया, करा दूर अंधारही मोह माया। तुला प्रिय जेते मला प्रिय भावे, जगी नित्य सांगाती माझा सावे। श्री सद्गुरु अडानेश्वर की जय। चलिए वातावरण मंगलमय हो गया है, परमेश्वर का आशीर्वाद भी प्राप्त है। हम बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम की संकल्पना की तरफ। गांधी जी मौन रखा करते थे, क्यों? क्योंकि ये इनकी साधना थी। किंतु ऐसे कितने बच्चे हैं जो आजीवन मौन धारण किए हुए हैं, उनकी आनंद का क्या, उनकी साधना का क्या? इसलिए पिछले 19 साल से अनाम प्रेम परिवार इन बच्चों के लिए कार्यक्रम आयोजित करके उन्हें आनंद देने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रयास में हर साल हर अलग अलग शहर में, हर अलग अलग राज्य में इन बच्चों को ले जाकर उन्हें आनंद देकर, उन्हें घुमाकर, उन्हें हर्षोल्लास देकर इस कार्यक्रम को संपन्न किया जाता है। इसी प्रकार पिछले साल भी हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, किंतु 2020 में कोरोना महामारी के तांडव की वजह से हम शहर शहर जाके इन बच्चों को घुमाना हमारे लिए असंभव था। इसीलिए हम लोगों ने पिछले साल ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस साल भी कोरोना महामारी का तांडव अभी भी जारी है, इसकी वजह से बच्चों की सुरक्षा के लिए उनके लिए एक अच्छा कार्यक्रम भी उन्हें देखने को मिले, इसके लिए हमने ऑनलाइन कार्यक्रम का प्रसारण किया है। आज के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करते हुए हम आज की पहली कड़ी की तरफ बढ़ते हैं। कोरोना महामारी के बारे में
क्या आपको पूरी जानकारी है? आपको इसके प्रभाव तथा इसके प्रयास के बारे में पूरी जानकारी है? क्या आप इसके लिए सज्जे हैं? आइए आज हमारे साथ राजनांदगांव से आस्था मुखोपाध्याय स्कूल की छात्रा कुमारी पूजा देवगन एक छोटी सी चित्रकला के द्वारा और एक निबंध के द्वारा यही जानकारी हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो आइए देखते हैं उसका उसकी चित्रकला। कोविड-19 कोरोना वायरस प्रस्तावना। कोरोना वायरस वर्तमान में संपूर्ण मानव जाति के लिए सबसे खतरनाक दुश्मन बना हुआ है। यह एक अदृश्य शत्रु है जो बिना दिखे मानव को अपना शिकार बना लेता है। इसे कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है। संपूर्ण भारतवर्ष वर्तमान में इसकी दूसरी लहर की चपेट में है। इस वायरस ने अनेक मनुष्यों को असमय काल के गाल में झोंक दिया है। इसने अर्थव्यवस्था को नष्ट करके गरीबी और बेरोजगारी में बेतहाशा वृद्धि की है। इस खतरनाक बीमारी से संपूर्ण मानव सभ्यता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। इससे अमेरिका, WHO और अन्य विकसित देश भी बेबस दिखते हैं। कोरोना संक्रमण के लक्षण। कोरोना संक्रमण में सर्दी, बुखार, बदन दर्द, थकान, गले में खराश, स्वाद और सुगंध का पता न चलना, सांस लेने में परेशानी और भी अनेक लक्षण दिखाई देते हैं। वर्तमान में दूसरी लहर में युवा वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। साथ ही बच्चे और बुजुर्ग भी बड़ी संख्या में संक्रमित हुए हैं। अगर ऐसे लक्षण आप में या आपके परिवार में दिखाई दें तो तुरंत जांच करवाना चाहिए। यदि जांच समय पर नहीं करें और देरी होती है तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है। कोरोना वायरस का प्रसार। यह वायरस सर्वप्रथम चीन के वुहान शहर में पाया गया। आज संपूर्ण विश्व आवागमन के तेज साधनों से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से यह वायरस चीन से होता हुआ विश्व के कोने कोने में फैल गया। इसके फैलाव का प्रमुख कारण यह है कि यह परिस्थितियों के हिसाब से अपना रूप बदलने में माहिर है, जिसे अंग्रेजी में म्यूटेशन कहते हैं। आज पूरे विश्व में इसके कई रूप मौजूद हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव। विश्व स्वास्थ्य संगठन और स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार ने इस वायरस से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय बताए हैं, जैसे मास्क लगाकर घर से बाहर निकलना, हाथों को बार बार साबुन से धोना, अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना, योग्यता अनुसार टीका लगवाना, भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना, लक्षण दिखने पर तुरंत अपनी जांच करवाना, अनावश्यक बाहर न निकलना। उपसंहार। वर्तमान में लगाए जाने वाले टीके भी इस संक्रमण से संपूर्ण रक्षा नहीं करते हैं। साथ ही अभी 18 साल के कम के बच्चों के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। अतः जब तक इस वायरस से बचने का प्रामाणिक और स्थायी उपाय नहीं मिल जाता, तब तक सावधानी और आदर्श कोरोना व्यवहार ही इस महामारी का इलाज है। कुमारी पूजा देवांगन, 6th कक्षा, आस्था मुख बधिर विद्यालय, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चित्रकला ये अपने आप में ही एक भाषा है, एक माध्यम है, जिससे बिना बोले, बिना कोई बात किए हम संवाद कर सकते हैं। इसीलिए अनाम प्रेम परिवार हर साल इन बच्चों के लिए चित्रकला की स्पर्धा आयोजित करती है। इसका कारण यही है कि इन बच्चों को एक माध्यम दिया जाए जिससे वो अपने विचार, अपने मन में जो चल रहा कोलाहल है वो उस पर डाल सके, चित्र के द्वारा हमारे साथ संवाद साध्य कर सके।
नाम प्रेम परिवार। आपने यह नाम बार बार सुना है, हर साल सुनते हैं। क्या आपको मालूम है अनाम प्रेम परिवार क्या है? आपको फिर से हम याद दिला देते हैं कि अनाम प्रेम परिवार ये कोई संस्था नहीं, रजिस्टर्ड संस्था नहीं, रजिस्टर्ड ट्रस्ट नहीं। ये सिर्फ एक सामान्य लोगों का एक बहाव है, विचारों का बहाव, जो एक साथ चल के समाज के लिए कार्य करते हैं। उनका उद्देश्य दिव्यत्व का मानवीकरण और मनुष्य का दिव्यकरण यही रहता है। अलग अलग प्रेम के प्रयोग करके अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग समाज के क्षेत्र से वंचित लोगों को सहायता करना, अपंग लोगों को सहायता करना, समाज के लिए सेवा देना, समाज के कर्तव्यों का पालन करना, यही इनका ध्येय है। और हमारे सारे कार्यक्रम सिर्फ एक ही मूलभूत कर्तव्य जो हमारे नागरिकों के हैं, इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। यह मूलभूत कर्तव्य कहाँ से आए? ये मूलभूत कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान ने हमें दिए हैं। नागरिकों के जो भी मूलभूत कर्तव्य है वो अनुच्छेद 51 क में सब लिखे गए हैं। अगर हम इन्हें गौर से पढ़ें, तो हम अनाम प्रेम के जो भी कार्यक्रम हैं, ये कहीं ना कहीं इनसे जुड़े हुए हैं। उदाहरण के तौर पर हम कहें तो हम लोग कुछ कार्यक्रम ऐसे करते हैं जो अपंगों के लिए, दिव्यांगों के लिए, वंचित लोगों के लिए है। हर साल उनके लिए सम्मेलन करते हैं, हर साल उनको साथ लाके उनको हम प्रोत्साहन देते हैं कि वो अपने अपने पैरों पे खड़े हो सके, वो एक आनंद उल्लास का जीवन जी सके। यह एक प्रकार का प्रेम का प्रयोग ही है जो हम कर रहे हैं। दूसरा प्रेम का प्रयोग है, जो भी सेवा कर्मी है समाज में उन्हें हम प्रोत्साहन देते हैं, उन्हें हम धन्यवाद देके हम उनकी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि उनके बिना हमारा जीवन बहुत कठिन हो जाता। जैसे रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, नर्सेज हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, ट्रैफिक पुलिस है, फायरमैन है। अगर ये नहीं होते तो हम किस तरह से हमारा कार्य कर पाते? रेलवे कर्मचारी नहीं होते तो हम अपने संबंधियों से, परिजनों से कैसे मिल पाते? इसलिए इन लोगों का आदर सत्कार करना ये हमारा मूलभूत कर्तव्य है। एक नागरिक होने के नाते हमें जाके उन्हें धन्यवाद बोल के, एक फूल देके, उनका मुंह मीठा करके उन्हें हमें प्रोत्साहन देना है। तीसरा प्रकार हमारा है वो अलग अलग जो यूनेस्को के दिन है, इंटरनेशनल डेज है, उन्हें हम अलग तरीके से मनाते हैं। समाज के लोगों के साथ जाकर एक अभिनव तरीका हम लोग अपनाते हैं और इस दिन को मनाकर पूरे विश्व को साथ में लेकर चलते हैं। यही हमारा उद्देश्य है कि हम इस विश्व के वसुदेव कुटुंबकम। ये तीन मेन प्रयोग है हमारे प्रेम के प्रयोग। इसी के साथ हम नए नए आविष्कार भी करते रहते हैं, जिसमें है संगीत के प्रयोग। हमारे बच्चे बहुत सारे वाद्य सीख रहे हैं, शास्त्रीय संगीत सीख रहे हैं। ये वाद्य पुरातत्व वाद्य है, जैसे रुद्रवीणा, सतार और सारंगी है, फिर संतूर है, ऐसे बहुत सारे वाद्य हैं, बांसुरी, मुरली जो बोलते हैं। ये सब वाद्य किसी न किसी तरह से शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छे हैं, फायदा कारक है और बहुत ही उपयुक्त है। इन्हीं वाद्यों का हम बच्चों को सिखा रहे हैं हम कि ये वाद्य सीख कर इन्हीं वाद्यों का उपयोग आगे जाकर समाज के लिए करो, समाज के उपयोग के लिए करो। तो यही वाद्यों को लेकर हम बहुत सारे प्रेम के प्रयोग कर रहे हैं। यही हमारा ध्येय है कि समाज में रहकर, समाज को साथ लेकर, समाज को साथ में जोड़कर हम एक ऐसा नया आविष्कार करें कि प्रेम का प्रयोग करें कि पूरा विश्व ही क्या, पूरा भारत ही क्या, पूरा ब्रह्मांड एक हो जाए और प्रेम के बंधनों में जुड़ जाए, एक साथ रहे, एकता की ओर बढ़े।
यही है अनाप प्रेम का पूरा सार। आशा है आप सबको समझ में आ गया होगा हम क्या चाहते हैं और ये हम सब क्यों कर रहे हैं। हम सबको पता है कि नकारात्मक शक्तियों का विनाश करने की शक्ति शिव स्वरूप में है, इसीलिए हम आज आपके लिए जो अगली प्रस्तुति लेकर आए हैं उसमें शिव जी का आवाहन करते हुए हम दक्षिण नृत्य शैली में एक अच्छी प्रस्तुति पेश करने जा रहे हैं। तो आइए अगली प्रस्तुति में दुर्गाबाई देशमुख वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर हैदराबाद से 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली वैष्णवी दक्षिण नृत्य शैली में कोरोना महामारी के विनाश के लिए शिव जी को आवाहन करेंगे। రాజు బంగారు కొండ కొండ జాతికి అండా దండ మధ్య రాత్రి లేచి మంగళ గౌరీ మల్లెలు కోసిందే వాటిని మాలలు కడతా మంచు కొండల సామిని తలసిందే మెల్లో మెలికల నాగుల దండ బలపుల వేడికి ఎగిరి పడంగా ఒంటి బూది జల జల आशा है कि इस प्रस्तुति से शिवजी निश्चित ही प्रसन्न हुए होंगे। जब कोरोना महामारी की बात चल ही रही है तो आगे बढ़ते हैं हम अगली प्रस्तुति की तरफ। इस प्रस्तुति में कोरोना महामारी पर एक कविता पठन का वीडियो हमारे पास आया हुआ है, इसे भेजा है कमलिनी कर्णबधिर विद्यालय ठाणे से अंशी अरविंद पई ने। नमस्ते, मेरा नाम अजबा है। शाक्र शाक्र पास एक ही पंत कोरोना कोरोना पछाना है पानी पूछे कैन है शका खुश कोरोना कोरोना तरुना तरुना कोरोना जे तरुना 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 कोरोना कोरोना हाथ को चपन चे तोये तोये तरुना तरुना नून पान ओ पान लकार कच्ची चके तरुना तरुना पेटे से हम तो रे रे
टनना टनना कल्पे में पछती काले काले टनना टनना कोरोना जे टनना 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 हमें काये चनम दबेते टनना टनना खाने ने बिना को खापीते टनना टनने टनने बेटन को छापा टनना टनना तूने तीन ना करो छपन टनना टनना कोरोना से टनना टनना खामे खी छेपन ने ना तक पड़ुना टनना मीना के खी छे खामे लोग चिक्का खामे डाए डरुना टनना कोरोना से टनना टनना तुम्हारी अंशी का ये प्रयास सराहनीय है। आपको आश्चर्य हुआ होगा किस तरह इस बच्ची ने प्रयास किया कविता पठन करने। इसी प्रकार अगर आपको ज्ञात है हम हर साल सिंगिंग कंपटीशन, गायन स्पर्धा इन बच्चों की लेते हैं। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? इस स्पर्धा की वजह से ये बच्चे संवाद साधने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। गाने की कोशिश में उनकी वाचा से वो बात करने की कोशिश करते हैं। इससे उन्हें हिम्मत भी बढ़ती है उनकी और उसी के साथ गायन संगीत इस कला क्षेत्र में उनकी रुचि बढ़ते हुए वो आगे बढ़ने के लिए हिम्मत जुटा पाते हैं। इसीलिए हर साल हम ये कंपटीशन रखते हैं और इस कंपटीशन में ये बच्चे उत्साहपूर्ण पूरे आनंद से सहभागी होते हैं। इसी तरह हम अभिव्यक्ति स्पर्धा का आयोजन करते हैं जिसमें बच्चों को बिना किसी संवाद के बिना किसी भी साइन लैंग्वेज यूज किए उनका उपयोग किए उन्हें अपने मन में जो भी कहना है जो भी कहानी है जो भी कथन है वो उन्हें प्रदर्शित करना रहता है। वो कैसे? वो अपने हाव भाव से एक नाटिका के रूप में माइम एक्ट से या फिर अपनी तरह अभिनय करके मुख अभिनय से उन्हें ये प्रदर्शित करना रहता है। इस तरह हम उनको इस कला में अभिनय क्षेत्र में प्रोत्साहन देते हैं। तो आइए देखते हैं कि आशादीप रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर दिव्यांगजन पटना बिहार के बच्चे हमारे सामने मूक अभिनय की पेशकश कर रहे हैं। इसमें सहभागी कलाकार हैं आकाश कुमार, अमर्त्य राजन, उत्सव कुमार, मंथरेश कुमार, रेहान और रौनक कुमार।
देखा कितनी खूबसूरती से इन बच्चों ने अपने सक्षम अभिनय से भारत की कहानी को हमारे सामने रखा। भारत का यह संदेश हमारे लिए कितनी अच्छी तरह से उन्होंने प्रस्तुत किया। भारत के स्वतंत्र होने के बाद सभी धर्म पंथ भेद सब जाति के लोग एक साथ रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। विविधता में एकता, ये हमारा ब्रीद वाक्य हो गया है। इसी तरह सांस्कृतिक विविधता को एकता में पिरोते हुए जो माला बन सकती है, इसकी ही एक पेशकश हम कर रहे हैं, जिसमें दो अलग अलग नृत्य शैली कथक तथा भरतनाट्यम इनका एक अद्वितीय संगम है। इसे पेश करने जा रहे हैं ज्योति बधिर विद्यालय कानपुर से अनमोल पाल तथा शिवानी कनौजिया। यह प्रस्तुति नृत्य शैली दो विभिन्न प्रकार कथक तथा भरतनाट्यम का संगम है। अति सुंदर, कितनी खूबसूरती से इन बच्चों ने ये नृत्य पेश किया। ना तो इन्हें ताल सुनाई देता है, ना ही उन्हें संगीत सुनाई देता है, फिर भी कितनी अच्छी तरह से इन्होंने इसकी पेशकश की है। और इसके लिए हम उनका अभिनंदन तो करते ही हैं, किंतु हम उनके गुरुजनों को प्रणाम करना चाहेंगे, उनका आदर सत्कार करना चाहेंगे, क्योंकि उनकी वजह से, उनकी सूझबूझ, मेहनत, अथक परिश्रम से ही इन बच्चों को यह शिक्षा मिल पाई है और इतना सुंदर प्रदर्शन वो कर पाए। अब जब संस्कृति की बात चल ही रही है, तो हम मुड़ते हैं अभी एक लोकप्रिय लोक नृत्य की तरफ। ये है गुजरात का रास गरबा। कुछ ही दिनों पहले गोकुलाष्टमी, राधाष्टमी ये संपन्न हुए त्योहार है। आने वाले त्योहारों में नवरात्रि सबसे बड़ा त्योहार है, जो गुजरात में धूमधाम से मनाया जाता है। इसी त्योहार का मुख्य आकर्षण रास गरबा रहता है। इस गरबे की धुन से, रासलीला की धुन से पांव अपने आप थिरकने लगते हैं। इस जोशपूर्ण और आनंदमयी नृत्य का हम आनंद लेंगे। आज हमारे साथ यहाँ पर पेश होने वाला है यह गरबा नृत्य, तो आइए इस लोक नृत्य का अनुभव लेते हैं। इसे प्रस्तुत किया है भावनगर गुजरात की केएल इंस्टीट्यूट फॉर डेफ के छात्राओं ने। मारा
क्या बात है, कितना जोश पूर्ण नृत्य था। अब हम बढ़ते हैं अगले विषय पर। अगला विषय है स्त्री जीवन पर। स्त्री अपने जीवन में कितनी चुनौतियों का सामना करती है, कितने उसे प्रयत्न करने पड़ते हैं, प्रयास करने पड़ते हैं अपने आप को संभालने, खड़े रहने के लिए, ऊपर उठने के लिए। और इसी के साथ उसके लिए और एक आह्वान होता है, वो आह्वान है अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं सबको त्याग कर अपने परिजनों के लिए उनकी खातिर सेवा देना, उनका ध्यान रखना, उनको प्यार देना। अब जो अगली पेशकश आने वाली है उसमें यही विषय विस्तृत से दिया गया है, दिखाया गया है। इस विषय को प्रस्तुत कर रहे हैं कर्णवती विद्यालय पेठ कोल्हापुर से कुमारी श्रिया अमित पाटिल एक लघुपट द्वारा। धन्य है आदिशक्ति स्वरूप स्त्री का। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले विषय की तरफ मुड़ते हैं। यह विषय है अपने सबसे बड़े दुश्मन भ्रमण ध्वनि, इसके बारे में। दुश्मन क्यों दुश्मन? क्योंकि क्या हम इसकी स्वच्छता के बारे में जानते हैं? हम इसकी स्वच्छता के बारे में जागरूक हैं? आइए आज हम इसी विषय पर एक नाटिका देखते हैं। इस नाटिका को प्रस्तुत किया है इंदौर डेफ बाइलिंगुअल एकेडमी के छात्र जयतिका परमार, अर्चना वास्ता, आरती दुदवे,
रूपाली कुशवाहा और विशाल राय। जन जागृति का ये अभियान अनाम प्रेमी बहुत साल से कर रहे हैं। मोबाइल की स्वच्छता से प्राथमिक स्वरूप देकर हम लोगों ने यह अभियान अलग अलग धर्मालयों में अलग अलग कार्यक्रमों के दौरान चलाया। इसकी मेन वजह यह थी कि मोबाइल एक बैक्टीरिया का घर रहता है, उसमें इतने सारे बैक्टीरिया होते हैं जो हमें दिखते नहीं और इसे हम पानी से भी साफ नहीं कर सकते, किंतु हमारे पास एक द्रवण था जिसका उपयोग कर इस बैक्टीरिया को साफ करके हम लोगों ने लोगों को स्वास्थ्य प्रदान किया। इसमें हमारा एक ही हेतु था, परमेश्वर की सेवा, और इसके साथ ही देश के लिए हमारा जो कर्तव्य है वो निभाना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी जी तथा अनेक क्रांतिकारियों का जो योगदान था, इसी योगदान को हम एक नाटिका के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। यह नाटिका प्रस्तुत करने जा रही है एसजी ब्रह्मट स्कूल नडियाद से, गुजरात से, और जो छात्र उन्हें पेश कर रहे हैं उनके नाम है महावीर सेन, किशन परमार, मीत बाबनिया, किशन भरवाड़, तद्वी दिनेश भाई तद्वी, जय पटेल।
150 साल के लंबे संग्राम के बाद भारत को बहुमूल्य आजादी प्राप्त हुई। इसमें बहुत बड़ा योगदान पंजाब की धरती का है। पंजाब की धरती ने एक से बढ़कर एक योद्धा दिए, जिन्होंने जुल्म तथा गुलामी के खिलाफ अपनी जीत सुनिश्चित की। जिस प्रकार उन्होंने यह जीत सुनिश्चित की, उसी प्रकार पंजाब की धरती के लोगों ने हमें जीत की खुशी, जीत का जश्न मनाने के लिए अपना लोक नृत्य भी प्रदान किया, जो है भांगड़ा। जिस क्षण वो आनंद में रहते हैं, जिस क्षण उल्लास होता है, उस क्षण पंजाब के लोग भांगड़ा नृत्य के माध्यम से हमारी ये खुशी, अपनी खुशी जाहिर करते हैं। और इसी प्रकार अब हम कोरोना की महामारी को भी हराने की कोशिश में हैं, और हमें लग रहा है कि अब हमारी जीत सुनिश्चित है। इसी जीत का जश्न मनाने के लिए आज हमारे साथ आए हैं भगत पूरण सिंह स्कूल से, पंजाब से, कुछ बच्चे जो भांगड़ा नृत्य पेश करने जा रहे हैं। जश्न ने वातावरण को तनावहीन कर दिया है, तो चलिए हम अगले अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं। आज अंतिम पड़ाव पर हम एक नाटिका लेकर आए हैं, जिसमें एक छोटी सी कहानी है। इस कहानी में एक किसान अपनी घड़ी खो देता है। कहां खो देता है उसे ध्यान में नहीं, किंतु ढूंढते ढूंढते वो इसे कैसे ढूंढ पाता है, यही इस कहानी का सार है। तो चलिए अब हम नाटिका देखते हैं। इस नाटिका को प्रस्तुत करने जा रहे हैं संजय सेंटर फॉर स्पेशल एजुकेशन गोवा और उनके कुछ छात्र, जिनके नाम है असद खान, चैतक उस्कैकर, सफा खान, तबस्सुम इदरीसी और मोइन खान।
अमेरिका से आपको क्या सीख मिली? विभिन्न आवाजों के कोलाहल में जब हम खो जाते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण आवाज ही हम नहीं सुन पाते हैं। क्योंकि अपने साथ इस कोलाहल को हम समझ नहीं पाते। किंतु अगर हम इस कोलाहल से अपना ध्यान हटाए, स्थिर रहे, एकाग्र हुए, तो इस एकाग्रता के द्वारा ही हम ऐसे दिव्यांग बच्चों के धड़कनों की आवाज सुन पाएंगे, उनको जो कहना है वो समझ पाएंगे। उसी प्रकार जिस प्रकार किसान की यह घड़ी टिक टिक करते करते किसान को सुनाई दी, और इन बच्चों के लिए अपना प्रेम जताने का, अपनी बात रखने का एक ही जरिया है, वो है उनकी शांत धड़कन। अगर हम उनको सुन पाएंगे तो यही उनकी भाषा है, प्रेम की भाषा। जो बोलेंगे वो प्रेम से बोलेंगे, जो सुनेंगे वो प्रेम से सुनेंगे। इसमें संवाद की जरूरत नहीं, शब्दों की जरूरत नहीं, वाचा की जरूरत नहीं, कोई शब्दों का लेन देन नहीं, सिर्फ प्रेम प्रेम और ओम। अगली पेशकश है प्रज्वल वाणी स्कूल विशाखापट्टनम से आए कुछ छात्रों की। ये छात्र एक नृत्य पेश करने वाले हैं और इस नृत्य का आनंद हम सब लेंगे। अंतिम पड़ाव आ चुका है और इस महामारी के बंधनों के बीच ये जो आनंद यात्रा हम लोगों ने आयोजित की है, हम आशा करते हैं कि आपको
ये पसंद आई और आपको इससे आनंद मिला। आशा करते हैं कि अगले साल 2022 में हम अपने बच्चों को किसी नए शहर में, किसी नए राज्य में ले जाकर उन्हें प्राकृतिक आनंद देने का प्रयास करें और ये जल्द से जल्द सफल हो, यही हम प्रार्थना ईश्वर से करते हैं। उसी के साथ हम आपकी आज्ञा चाहते हैं और एक आशा भरा संदेश आपको देते हैं। चलो मिलेंगे अगले साल, जरूर मिलेंगे अगले साल किसी नए शहर में, किसी नए राज्य में। प्रेम प्रेम और ओम। ओम श्री सद्गुरु अडाणेश्वर की जय। गुरु माऊली करुणानिधे श्री सद्गुरु अडाणेश्वरा अविनाशी आदि सिद्धतु तेजो निधि शिव सुंदरा वात्सल्य सिंधु चिन्मया शुभ शक्ति शांति सागरा झालो तुझा आधीन मी चरणासी दे आसरा काया आणि वाचा मने राहो सदा शुद्धा चरण आत्मोन्नति स्तव हो दे नित भक्ति ज्ञानाचे भरण होई सुगंधित कर्मते तव भक्ति ओलावा जिथे सत्संग यास्तव लाभुदे वास्तव्य तू करीसी तिथे वाढ़ो निरंतर अंतरी सर्वा प्रति आत्मीयता जुळवावया अवघी मने दे प्रेरणा सोशीकता कष्टी अनाथा दुखिता हसवावया सामर्थ्य दे महिमा तुझा ना जाणती त्या जागाता येऊ दे जिंकावया हे षड्रिपु अमुसे मनोबल वाढू दे मी तू पणा गळूनी पडो वृती अदंभी हो दे तव भक्ति मार्गे चालता खंबीर निर्भय हो दे अध्यात्म गोडीने आम्हा सहजीवनाची दृष्टी दे चिंता न ग्रासो मन्मना तव चिंतनी मनरंगू दे मंजूर तुझतेची घडे स्वीकार करण्या शक्ती दे येता घरा सुख संपदा अथवा कितीही आपदा भक्ता निरंतर रक्षिसी निष्ठा ढळ राहो सदा वृत्ती निरागस होनी मनही सदानंदी असो वाणीत गोडी लीनता तव भक्तीची शक्ती असो चातुर्य बल सद्बुद्धीने पुरुषार्थ साधो चारही ऐहिक वैभव कीर्तीची इच्छा न उपजो स्वप्नी निसंग वृत्ती बाणुनी उद्योगरत आमी असो कर्मात ज्ञानाचा तसा तव भक्तीचा परिमल असो कधी आत्मसिद्धीची वृथा चिंता
धीरताहीनसो परिसर्व कर्तृत्वानिशि ध्येयाकडे दृष्टीयसो जगतास सद्गुरु भक्तिचा तव भक्तिने महिमा करो शांति प्रचिती येऊनी संदेह अवघेची गळो मजला कळो वाना कळो ब्रह्म स्थिती आत्मस्थिती अद्वैत पदिने परी दे द्वैत भक्ति सद्गति ओम श्री सद्गुरु अडाणेश्वर की जय ओम शांति शांति शांति